जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। गणपति प्लाजा में एक बार फिर से लॉकर खोलने की तैयारी की जा रही है। आयकर विभाग के अन्वेषण शाखा के कर्मचारी पहुंच गए और नोटिस के बावजूद लॉकर नहीं खुलने वाले, आज कुछ लॉकर खुलेंगे। विश्वस्त सूत्रों ने ये जानकारी दी है। संदिग्ध बताए जा रहे हैं, लॉकर से निकल सकती है बड़ी मात्रा में नकदी और सोना। कुछ समय बाद अधिकारियों के पहुंचने पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। गणपति प्लाजा स्थित रोयरा सेफ्टी वॉल्ट में ये निजी लॉकर्स हैं और निजी लॉकर से अब तक आयकर अधिकारी जब्त कर चुके हैं 7,98,00,000 की नकदी, करीब 6,98,00,000 मूल्य का 11,253 ग्राम सोना और स्वर्णाभूषण भी जब्त किए जा चुके हैं। 13 अक्टूबर को शुरू हुआ गणपति प्लाजा में आयकर सर्वे अब भी जारी है। 30वें दिन भी हो रही है यहां पर सर्वे की कार्रवाई। विभाग की अन्वेषण शाखा यहां आयकर सर्वे कर रही है। तो गणपति प्लाजा में एक बार फिर से लॉकर्स खोले जाएंगे। आज का दिन इस कार्रवाई में अहम दिन, क्योंकि माना जा रहा है कि बड़ी नकदी और सोना बरामद हो सकता है। गणपति प्लाजा के रोयरा सेफ्टी वॉल्ट के लॉकर्स की तलाशी का जो अभियान है, बीते 30 दिनों से लगातार आयकर सर्वे यहां पर हो रहा है और अब एक बार फिर से लॉकर्स को आज खोला जाएगा। आज कुछ लॉकर्स खोले जाएंगे। अब से कुछ ही देर में ये जो कार्रवाई है ये शुरू होगी। लॉकर से निकल सकती है बड़ी मात्रा में नकदी और सोना। इससे पहले जो अब तक कार्रवाई हुई, 8 करोड़ के लगभग कैश और 7 करोड़ के लगभग सोना अब तक इन लॉकर्स से बरामद हो चुका है। जो अलग अलग बिजनेसमैन के यहाँ पर लॉकर्स हैं, उनके लॉकर्स से ये सब बरामद अब तक हो चुका है। लेकिन अब आज एक बार फिर से कार्रवाई की जाएगी गणपति प्लाजा में। आयकर सर्वे अब भी जारी और तीसरे दिन भी यहाँ पर सर्वे की कार्रवाई हो रही है। विभाग की अन्वेषण शाखा यहाँ पर आयकर सर्वे कर रही है। लॉकर से निकल सकती है बड़ी मात्रा में नकदी और सोना। आज फिर से गणपति प्लाजा में जिनके लॉकर्स हैं, एक बार फिर से लॉकर्स खोले जाएंगे। हमारे सहयोगी विमल कोठारी लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विमल जी, लगातार आयकर सर्वे हो ही रहा है गणपति प्लाजा में, लगातार लॉकर्स पहले भी खोले गए थे, अब आज का दिन किस लिहाज से अहम माना जा रहा है, एक बार फिर से लॉकर्स खोले जाएंगे, सर क्या जानकारी? बिल्कुल, जानकारी ये है कि यहाँ पर जब मैं गणपति प्लाजा में खड़ा हूँ, रोयरा सेफ्टी वॉल्ट जहाँ पे जो प्राइवेट लोकल धारक कंपनी है, इस कंपनी के यहाँ पे पुलिस का और इनकम टैक्स अधिकारी पहुँच चुके हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि थोड़ी सी देर के अंदर ही इनकम टैक्स अधिकारी यहाँ पर 2 लॉकर्स को खोलेंगे। और जानकारी ये मिली है कि जिस लॉकर धारक के ये लॉकर बताए जा रहे हैं, उस लॉकर धारक को आयकर विभाग ने अनेक बार मौके दिए, लेकिन उन मौके के बावजूद भी आयकर विभाग आयकर अधिकारियों के सामने इन लॉकर्स को खोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। सूत्र ये बता रहे हैं कि जैसे आयकर अधिकारियों ने इस लॉकर को अब खोलने की तैयारी कर ली है, क्योंकि आयकर अधिकारियों को ये अंदेशा है कि इस लॉकर में भारी मात्रा में नकदी और ज्वेलरी और सोना आदि मिल सकता है। तो अब आयकर अधिकारी आ चुके, धनतेरस है, तो हो सकता है आयकर अधिकारी भी धनतेरस मनाने के मूड में है। और आयकर अधिकारियों ने यहाँ पे गोदरेज कंपनी, जिसके यहाँ पे रोयरा सेफ्टी वॉल्ट में जो लॉकर लगे हुए हैं, इसके कर्मचारियों को बुला लिया है। अधिकारी अपने जो डॉक्यूमेंट्री वर्किंग है वो पूरी कर रहे हैं और उसके बाद में अधिकारी इन लॉकर्स को ऑपरेट करेंगे। और अभी जैसे हम मौके पर खड़े हैं, अधिकारी अपनी कानूनी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा करने में लगे हुए हैं। पुलिस का बंदोबस्त भी दर्शक स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ करीब आधा दर्जन के आसपास पुलिसकर्मी मौजूद हैं और इसके अलावा आधा दर्जन से ज़्यादा ही आयकर अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद हैं। जो जानकारी मिली है वो यही है कि ये किसी प्रोफेशनल का लॉकर बताया जा रहा है और आयकर अधिकारियों को ये अंदेशा है कि इस लॉकर के अंदर भारी मात्रा में नकदी या सोना और ज्वेलरी वगैरह मिल सकती है। जी बिल्कुल विमल, लेकिन लगातार देखिए गणपति प्लाजा के इन लॉकर्स की चर्चा इस बीते महीने में लगातार हुई है, क्योंकि शुरुआत पे आ जाते हैं विमल हम कि किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाए थे कि 500 करोड़ का धन इन लॉकर्स में छिपा हुआ है। उसके बाद आयकर विभाग यहाँ पर आया और कार्रवाई लगातार की गई। अब तक का जो बरामदगी हुई, अब तक जो लॉकर्स खुले उनमें क्या कुछ मिला और किस तरीके से ये जो कार्रवाई है अभी तक जारी है?
देखिए अब तक जो इन लॉकर से बरामदगी हुई है, जिसमें नकदी की बात करें तो 7 करोड़ 98 लाख रुपए के आसपास की नकदी यहाँ पे बरामद हो चुकी है। जहाँ तक सांसद किरोड़ीलाल मीना के आरोपों की बात करें, सांसद किरोड़ीलाल मीना ने ये आरोप लगाए थे कि यहाँ 500 करोड़ के आसपास का काला धन है और इसके अलावा 50 किलो के आसपास सोना है। लेकिन ये दोनों ही आरोप एक महीने के करीब इस कार्रवाई को चलते हुए हो गया, लेकिन इनमें से कोई भी आरोप अभी तक सच साबित नहीं हुआ। हालांकि आयकर अधिकारियों ने जो 7 करोड़ 98 लाख रुपए जब्त किए हैं वो विभिन्न कारोबारियों के प्रोफेशनल्स आदि के हैं। इनका सीधे रूप से जल जीवन मिशन योजना या जो भी पेपर लीक प्रकरण है जिसको लेकर के किरोड़ीलाल मीना ने आरोप लगाए थे कि उसमें काला धन छिपा हुआ है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं। इसके अलावा जो ज्वेलरी और सोना आदि यहाँ पर बरामद हुआ है उसका भी स्पेशली भ्रष्टाचार के आरोपों से कोई लेना देना नहीं है। लोगों का अपना सोना था जो उन्होंने बचत से या किसी तरह से कमा करके अपना यहाँ पे रखा हुआ था सुरक्षित रखने के लिहाज से, लेकिन चूंकि आयकर अधिकारी यहाँ पर किरोड़ीलाल मीना के आरोप लगने के बाद में मौके पर पहुंच गए, इन्होंने सर्वे की कार्रवाई की और 1109 लॉकर जो इसमें लॉकर प्राइवेट लॉकर में है वो सारे के सारे लॉकर्स उन्होंने एक बार फ्रीज कर दिए। लॉकर्स की तलाशी ली, 350 के आसपास लॉकर्स इतने हैं जिनके जो किसी को अलॉट भी नहीं किए गए थे। उसके बाद में आयकर अधिकारियों ने इस बात की छानबीन शुरू की कि यहाँ पे जो लॉकर्स हैं वो किन किन लोगों के हैं, किन कौन लोग यहाँ फ्रिक्वेंटली आ रहा है कौन नहीं आ रहा वगैरह वगैरह के आधार पर आयकर अधिकारियों ने करीब 200 के आसपास नोटिस लॉकर धारक से जारी किए और इसमें से जानकारी ये है कि 150 से ज़्यादा लॉकर्स तो खुल भी चुके हैं जिनमें 7 करोड़ 98 लाख की नकदी और 6 करोड़ 98 लाख रुपए मूल्य का सोना और ज्वेलरी आदि जब्त की जा चुकी है। जी, यानी अब जो बचे हुए लॉकर्स हैं उनको खोला जाएगा। शुक्रिया विमल हमारे साथ जुड़ने के लिए।